President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रेसिडेंट बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर दिस वंडरफुल डिनर टुडे। माय स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर जिल बाइडेन फॉर हर पर्सनल एफर्ट्स एंड अटेंशन इन मेकिंग माई विजिट अ सक्सेस। I would also like to express my gratitude to her for the magnificent organization of today's event. Kal sham aapne apne ghar ke darwaje mere liye khole. Special gesture ke liye aapki mitrata aur garm josh se bhare aadar satkar ke liye bhi main aapka hriday se bahut bahut aabhari hu. Yesterday evening, you opened the doors of your house to me. I am deeply grateful to you for this special gesture, for your friendship and warm hospitality. मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. Mr. President, aaj ki shaam ko aur adhik khaas banate hain hamare saath upasthit dono deshon ke sabhi mahanubhav, loktantra aur vividhta ke mulyon ko jeevan mein saakar karte hain log. हमारी सबसे कीमती पूंजी है। मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस इवनिंग इज मेड स्पेशल बाय द प्रेजेंस ऑफ द पीपल ऑफ आवर टू कंट्रीज। ब्रिंगिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी टू लाइफ, दे आर आवर मोस्ट प्रेशियस एसेट्स। आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड के समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर सीट फिट कर पाए होंगे। When we met in Japan for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing. Well, looking at the vast experience of your long public life, I'm sure that you must have resolved that problem. I hope you were able to fit in everyone who wanted to come tonight. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहाँ एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल। यू गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड रिमार्केबल पीपल टुनाइट। आई मस्ट कमेंड यू फॉर दैट। ऑल दीज पीपल सिंबलाइज सो मच अबाउट द इंडिया यूएस रिलेशंस, आवर एनर्जी, आवर डायनेमिज्म एंड आवर पोटेंशियल। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज
और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. Indian Americans have come a long way in the US. They are proud of India's values, democratic traditions and culture and have always found a respectful place in America's melting pot. Indian Americans have played a significant role in further strengthening the inclusive society and economy of the US. Hospital ho ya hotels, university ho ya research lab, gas station ho ya logistics, management ho ya IT, har kshetra mein bhi apna yogdan de rahe hain. Be it hospitals or hotels, universities or research labs, gas stations or logistics, management or IT, they are making their mark everywhere. और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं. एंड नाउ सम ऑफ देम आर इवन इन द व्हाइट हाउस. जैसे जैसे समय गुजर रहा है हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं. भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं. With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. Baseball ki prasiddhi ke beech, ab America mein cricket bhi popular ho raha hai. इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है. Amidst the love for baseball, cricket is also getting popular in the US. The American team is trying its best to qualify for the Cricket World Cup to be held in India later this year. I wish them good luck and success. Mr. President, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं. आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजोल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है. Mr. President, for over 5 decades, through all the sweeping changes in the world, you've worked hard in the service of your nation and the entire humanity. You've turned every adversity into strength, loss into resolve, challenge into a mission. लगभग एक दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं. आई फर्स्ट मेट यू नियरली अ डेकेड अगो व्हेन यू वर द वाइस प्रेसिडेंट एंड आई सी द सेम कमिटमेंट एंड इंटेंसिटी इवन टुडे इन यू. आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है. यू आर सॉफ्ट स्पोकन बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन यू आर वेरी स्ट्रांग. और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है. एंड आई नो दैट एज एन एजुकेशनिस्ट डॉक्टर जिल बाइडेन हैज मेड अ ट्रेमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस जर्नी. फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति बाइडेन और मैंने अनेक विषयों पर विस्तार से गहन चर्चा की. शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय कम रह गया.
Friends, President Biden and I had some very wide-ranging and deep conversations today. I think our teams got tired of taking notes, and yet it felt like we were running out of time. मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा पांचवा संबोधन है या शायद छठा, मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। I don't want to speak too much about India-US relations because I know this is my fifth speech for the day, or maybe it's the sixth. As you can see, I really have lost count. Mr. President, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के नौ दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। Mr. President, in 2014, when you had hosted a banquet for me, at that time I was observing a 9-day religious fast. And I remember you were asking me again and again what I could eat during my fast. But it was not possible for me to eat anything, and you were quite concerned about it. Well, today I'm making up for it. All that you desired at that time with so much affection is being fulfilled today. मैं जानता हूँ मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर हैं, और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टॉस्ट में मेरा साथ दें। I know everyone is eager to have dinner, looking at today's special menu. I know the effort made by Dr. Biden in very delicately curating today's menu. But there is one more thing left to do. Please join me in raising a toast. A toast to our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden. A toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness. To liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you.